गुड मॉर्निंग ऑल। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग हाउ टू कन्वर्ट द फॉलोइंग रीडिंग ऑफ प्रेशर इनटू पास्कल। ओके, और पास्कल को और क्या कह सकते हैं हम, आपको पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ओके सो ओके, एक एक करके हम देख लेते। सो फर्स्ट केस इज 3 bar। ओके, अगर इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट 3 bar इंटू पास्कल। ओके सो फॉर दैट वी नो दैट 1 bar इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। इसको ही हम क्या पास्कल बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर। ठीक है, तो अभी हमें दिया है 3 bar, तो क्या आएगा 3 bar इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो ये तो बहुत ही आसान है। ओके, सेकेंड हम देख लेते हैं क्या है। सेकेंड इज 80 सेंटीमीटर ऑफ एजी। ओके सो 80 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले, तो वो हो जाएगा 800 mm ऑफ एजी। ओके, ये देख लिया। तो हाउ टू कन्वर्ट, सो टेक 800 डिवाइड बाय, एक स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए इस चीज़ में कि बैरोमीटर रीड्स 760 mm ऑफ एजी। ये एक स्टैंडर्ड है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ओके सो यहाँ पे देखते हैं 800 mm ऑफ एजी डिवाइडेड बाय 760 ओके mm ऑफ एजी इनटू इनटू डेंसिटी ऑफ एजी इनटू जी इनटू एच। ओके, ये फॉर्मूला है। तो हम वैल्यू हमें पता है, डेंसिटी ऑफ एजी इज इक्वल टू 13.596 इंटू 10^3 kg पर मीटर क्यूब। अगर मीटर में है तो हमें अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें न्यूटन पर मीटर पास्कल में ढूंढना है। ओके सो दिस इज अ वेरी गुड। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले तो वैल्यू डाल देंगे। ओके, डेंसिटी का वैल्यू इधर से आ गया 13.56 10^3, जी का वैल्यू 9.81 एंड एच। ओके सो एच का जो वैल्यू है वो हमें पता है 760 डिवाइड बाय 1000। ओके, तो ये कहाँ से, पहली बार रह लेते हैं 1000, और इससे हमें पता चलेगा कि फाइनल वैल्यू क्या है। ओके सो ये जो हमने 1000 लिया है, इसका क्या मतलब है ये पहले देख लेते हैं। जो हमने ये जो सब वैल्यू ली है, ओके ये 760 ये mm है। ओके तो हमें मीटर में चाहिए, क्योंकि ये जो है ये पोर्शन मान लो, तो ये हमें न्यूटन पर मीटर में चाहिए, ये चाहिए। तभी हमें इसका आंसर पता चल सकता है। ओके सो फॉर दिस वी हैव टू डिवाइड बाय 1000, और 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 0.76 meter। सो इसलिए हमने ये किया है। तो आफ्टर ऑल दिस कैलकुलेशन वी आर फाइंड आउट 1.06701 इंटू 10^5 पास्कल। तो ये फाइनल आंसर आ गया। ओके सो आफ्टर दिस लास्ट वन इज 40 cm ऑफ एच जी ऑफ वैक्यूम। ओके सो वैक्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके सो ऑल वी नो दैट एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है कि 76 माइनस 40 ओके इज इक्वल टू क्या आएगा, तो करके देखते 76 माइनस 40 36। तो 36 cm ऑफ एच जी, बट एब्सोल्यूट में आएगा वो एब्सोल्यूट। ओके तो पहली बात तो ये क्या चीज़ है, ये तो एक स्टैंडर्ड देख लो, हम हर बार देखते हैं 760 इन mm, तो इसको ही हमने अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 76 cm आ जाएगा। तो 76 में ये 40 meter क्योंकि सेंटीमीटर में था, तो डिवाइड माइनस कर लिया। और इसके बाद देखते हैं कि हाउ टू फाइंड। ओके सो फाइनल स्टेप इज दिस 360। तो अगेन हमने इसको एम एम में करके, क्योंकि हमने हमारे पास 760 mm है। ओके और इसके बाद हमको ओनली मल्टीप्लाई बाय रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच। ओके तो इसका वैल्यू हमने पहले ही निकाला है, फिर से देख लेते हैं कैसे निकलते।
रो का वैल्यू है 13.596 इंटू 10^3 इंटू जी 9.81 इंटू एच, तो एच का वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं 760/1000, तो ये वैल्यू इंटू 360/760। ओके तो इसका आंसर, ओके तो कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू आया, ये पहले से हमें पता था, तो अभी अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना था, 0.01325 इंटू 10^5। ओके टू पॉइंट सेवन ओके सो जल्दी जल्दी में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये वैल्यू आया, और उसके बाद अगर देखते हैं तो फाइनल आंसर आता है 0.479960×10^5। ओके ये वैल्यू आएगा पास्कल में, तो एब्सोल्यूट। ओके सो दिस इज हाउ वी आर कन्वर्टिंग ऑल द मेजर्स। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।